और नैब को चीनी और आटा स्कैंडल नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो नालायकी, बदनीयती और घटिया सोच है। हुक्मरान झूठे केस बनाकर अपोजिशन को दबाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर से जो तफ्तीश करनी है ऑन कैमरा की जाए, हम जेल से नहीं घबराते, मुकाबला करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को दो टोक पैगाम, कहा लॉकडाउन में नरमी की बात समझ से बाहर है, ये हुक्मरानों के रोने नहीं बल्कि काम करने का वक्त है। इमरान खान ने खुद कहा कि आगे अमवात बढ़ेंगी। वजीर आजम की टाइगर फोर्स करप्शन का सबसे बड़ा जरिया करार। नैब को चीनी का स्कैंडल नजर नहीं आता, नैब को आटे का स्कैंडल नजर नहीं आता। बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अकासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। हम इसका मुकाबला करेंगे। जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से। जब मुल्क में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, आप लॉकडाउन में आसानी पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इस मामले को बहुत खराब कर देगा। हुक्मरानों के रोने का वक्त नहीं है, हुक्मरानों के काम करने का वक्त है, काम नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है कि मई के अंदर बहुत अमवात होंगी और ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगा, ये सबसे बड़ी नाकामी होगी इस हुकूमत की।